आयोजन ने ये बेवकूफी की, ये गलती की, उसको लगा कि कृष्ण तो अकेला है, अब इस कृष्ण को हम लोग बंधक बना लेंगे। जब कृष्ण जी 5 गांव मांगने गए तो रश्मि रति की बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरी सटीक बैठती है, वो आप सुनिए। दो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो, दो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के लिए ना सका, उल्टे उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधु साधने चला। हरि ने भी संहुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुलपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और वो अंतिम पंक्ति जो कृष्ण जी की थी, वही पंक्ति हमारे नेता के लिए एकदम सटीक बैठती है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। हमारे नेता को हम लोगों ने विचलित होते हुए भी देखा 18 नंबर कोठी में, और हम लोगों ने गर्व के साथ उस दिन भी देखा जब हमारे नेता पूरे देश के सामने कह रहे थे, मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हम लोगों ने दोनों दिन को देखा है और दोनों दिन में एकमात्र अंतर इतना है कि हमारे नेता ने हमेशा से आत्मविश्वास को मजबूत रखकर, हमारे नेता ने साबित करके दिखाया कि हमारे नेता सही मायने में शेर के बच्चे हैं, और शेर के बच्चे उन्होंने साबित करके दिखाया। और मैं आप सबके सामने हमारे नेता का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नेता ने मुझ जैसे अनुज को खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ाया। और खगड़िया लोकसभा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पार्टी के संस्थापक सहदेव रामविलास पासवान जी की गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाने का सौभाग्य आपने दिया। मैं आपको कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने भीषण गर्मी में एक एक दरवाजे को खटखटाकर हम लोगों के लिए मतदान मांगा, और आज आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से हमने बिहार पर है। और अब आगामी 2025 का चुनाव आने वाला है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान। मैं यही कहते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने पार्टी को हमेशा से, मैं गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, हम लोगों ने बिहार में नेताओं को बदलते हुए देखा है, लेकिन बिहार की स्थिति को, बिहार की पहचान को यदि सही मायने में बदलते हुए देखा तो आपके नेतृत्व में देखा, और इस सोच को बदलते हुए देखा। लोग सोचते हैं कि बिहार के नेता जो है वो सदन में जाकर केवल हंसी मजाक या ठिठोरा या देसी अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बिहार के परसेप्शन को बदलने का काम किया। बिहार में भी शिक्षक नौजवान है, बिहार के नौजवान भी देश में अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक पहचान को कायम कर सकते हैं। इस राजनीति की शुरुआत जिस खूबसूरती से आपने की, मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ पर कोई भी युवा नेता कभी किसी दूसरे युवा को मौका नहीं देता है क्या, वहीं पर हमारे नेता इस भाव को नहीं रखते हैं, ना किसी जात न धर्म न मजहब, और सबके सब आप देख लीजिए चेहरे, नौजवानों को मौका देकर ये साबित किया और ये बताने का काम किया कि हमारे नेता का MY समीकरण यही है, वो महिला और युवा है। हम लोग अपने नेता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ पूरी ईमानदारी से, जब तक सांस है तब तक आपके साथ मजबूती से हम खड़े रहेंगे, और आपके किए गए प्रयास से
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को नेता की तरह नहीं, आपने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शित किया है। नहीं तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के किसी पदाधिकारी के लिए या पार्टी के प्रत्याशी के लिए कभी कोई पूजा पाठ कराते हुए देखा है क्या? ये भाव है हमारे नेता का कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को परिवार की तरह लेकर चलते हैं, और इस परिवार का सदस्य होने पर आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे राजनीतिक रूप से पहचान देने के लिए, मुझे मेरे परिवार को सम्मान देने के लिए मैं अपने नेता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।